कराची में नर्सरी के इलाके की फर्नीचर मार्केट के गोदाम में आज सुबह आग भड़क उठी। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आग फर्नीचर मार्केट की 4th मंजिल पर गैर कानूनी तौर पर बनाए गए गोदाम में लगी, जिसके बाइस फायर ब्रिगेड के अमले को आग बुझाने में मुश्किलात दरपेश आई। मेरा तकरीबन 2 कंटेनर का माल जला है और मुझे जैसे ही आग का पता चला मैं यहाँ हूँ, जब तक सब कुछ तबाह हो चुका था, कुछ नहीं बचा। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन नहीं बचा सके, आग बहुत तेजी से फैल चुकी थी। ये उनकी मेहरबानी कि वो वक्त पे पहुंच गए। फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन के सदर का कहना था कि हादसे का शिकार गोदाम गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया था। जान का भी खतरा, माल का खतरा, हम लोग इतने मतलब इस मामले में इतने बेहतियात हो गए, हमें किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। यहाँ लोगों को बता के थक गए कि ये चीज़ें यहाँ हल करनी है, किसी तरह से हल करनी है, हादसा इसी तरह से होते हैं। फर्नीचर मार्केट के गोदाम में लगने वाली आग पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने 2 घंटे की जिद्दोजहद के बाद काबू पा लिया। खुशकिस्मती से आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कैमरामैन हैदर अली के साथ वकार अब्बास, 24 न्यूज़, कराची।